अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। वेलकम टू माय चैनल समीरा। आज हम फ्रूट चाट बनाने जा रहे हैं और जूसी है और यमी है, तो है तो बहुत ही आसान, सब बनाते हैं। लेकिन हाँ, आज हम चले जैसे स्टाइल से बना रहे हैं तो आप भी ज़रूर देखिए, हमारे साथ रहिए, ठीक है? तो चलिए जी, हम आपको बताते हैं। ये अंगूर हमने लिए थे, एक बाउल भर के है। ये मैंगो है, मैंगो भी हमने एक लिया है और क्यूब्स में हमने काटा था। ये एक ऑरेंज लिया है, ये भी एक बाउल है। और ये हमने एक पियर लिया था, नाशपाती ली थी हमने, ये भी हमने क्यूब्स में कटिंग की हुई है, एक बाउल। और ये एक अनार हमने लिया है, तो हम ये पहले ये वाले जो हमने कटिंग की हुई है पहले हम इसको डालेंगे, उसके बाद फिर ये एप्पल और बनाना हम तीन डालेंगे। क्योंकि आपको पता है ये कटिंग करके रखें तो इसका कलर भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, चलिए अब हमारे साथ ही रहिएगा। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। ये 500 ml ऑरेंज जूस है, ये सारा ही इसमें जाएगा। सबसे पहले हम ये ऑरेंज जूस डालेंगे। ये देखिए, हमने ऑरेंज जूस डाला था, उसके बाद हमने वही एप्पल काट लिए थे, कटिंग कर ली थी, और हमने बनाना डाल दिया था, ठीक है? इसमें तीन बनाना गए हैं और दो एप्पल अभी तक हमने डाले हैं। अब हम इसमें ये देखिए ये डालेंगे, अनार चले गए और ये फ्रूट जो ये भी चला गया। ये देखिए, अब हम इसमें शुगर डालेंगे, दो चम्मच चले गए, थोड़ा सा ये सॉल्ट चला गया, ये टीस्पून सॉल्ट हमने डाला है, शुगर जो है वो हमने एक चम्मच डाला, और ये ब्लैक पेपर थोड़ा जाएगा। और ये एक चम्मच हमने चाट मसाले का डाला है, देखिए हम इसे मिक्स करेंगे। जूस डालने से ये है कि चले ये जो फ्रूट है ना, आप दूसरे दिन भी आप फ्रूट चाट ये खा सकते हैं। लेकिन ये देखिए, इसमें मिक्स हो गया है, देखिए हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमारी फ्रूट चाट रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, अब खाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। चैनल देखने का बहुत शुक्रिया, और आप भी बनाएं और खाएं, घर वालों सब फ्रेंड्स से शेयर भी करें, और हमें दुआ में याद रखें। और जी, आप हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ आएंगे। चैनल देखने का शुक्रिया, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जज़ाकल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज़।